आज जो है ना, आज बहुत ज्यादा खूबसूरत दिन है, क्लियर वेदर जैसे कहते हैं ना, वो है, नो स्मोक, नो फॉग और कोई धुंध वगैरह और कोई स्नो बारिश कुछ भी नहीं है, कितना क्लियर क्लियर सारा कुछ नजर आ रहा है ना। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार आज की वीडियो का सीन कुछ इस तरह है कि आज मेरा 7th सेमेस्टर का फर्स्ट एग्जाम है और मॉड्यूल्स वगैरह हमारे हो गए, लास्ट वीक सब क्लियर, और अभी जो है हमारा एग्जाम है इंटरनल इलनेस का। तो अभी हम चलते हैं क्लास में, देखते हैं क्या सीन होता है। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस इतना पता है कि एग्ज़ाम जो है रिटर्न होगा, हो सकता है MCQ हो या क्वेश्चन हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन टीचर, टीचर पे डिपेंड करता है कि वो क्लास परफॉर्मेंस देखे स्टूडेंट की, उसको एग्ज़ाम फ्री कर दे, और टीचर पे ही डिपेंड करता है वो ओरल ले, और टीचर पे ही डिपेंड करता है कि वो रिटर्न ले। और ये हमें एग्ज़ाम वाले दिन ही पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसे होगा। हाँ, कभी अगर टीचर से पूछें तो उनकी मर्ज़ी हो तो पहले बता दें एग्ज़ाम से, लेकिन ज़्यादातर एग्ज़ाम वाला दिन नहीं पता चलता है। तो अभी हम एग्ज़ाम देने चलते हैं। अच्छा, बेसिकली बहुत से लोग मुझे पता है बोलेंगे कि भाई एग्ज़ाम है, तुम फिर भी ब्लॉगिंग कर रही हो। मैं जस्ट अपनी जो लाइफ है, जो जो मैं करती हूँ सारा दिन, वो जस्ट अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। तो अब मैं आपको भी बता रही हूँ, मतलब तो मेरा दिल कह रहा था मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हमारे पेपर्स कैसे होते हैं और कैसा सीन होता है एग्ज़ाम का। तो डैट्स वाई आई एम शूटिंग दिस वीडियो। तो अभी हम जल्दी से यूनिवर्सिटी चलते हैं। जितने भी बच्चे खड़े हैं इन सबका एग्जाम है आज। हेलो मैम, तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत पर है। चलो यार, बेस्ट ऑफ लक। यार जो हमारा इंटरनल इलनेस का एग्जाम था वो हम दे आए अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें लग रहा था कि शायद क्वेश्चन होंगे, लेकिन सॉरी मुझे लग रहा था कि शायद MCQs होंगे, लेकिन क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, बहुत ज़्यादा इजी एग्ज़ाम था। मतलब जो मैम मॉड्यूल्स में क्वेश्चन देती थी वही रिपीट होके एग्ज़ाम में थे, तो बहुत ज़्यादा ईजी था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो अभी जो है ना हम घर जा रहे हैं, बस एक घंटे की बात थी, एक घंटा टाइम था उसको, अभी हम घर जा रहे हैं। और ये वाली मैम इतनी स्ट्रिक्ट थी कि इन्होंने किसी बच्चे को एग्जाम फ्री भी नहीं किया, हालांकि हमारी क्लास एक्टिविटीज़ में 5-5, 4-4 मार्क्स लगे हैं। खैर क्या कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम हुआ। खैर इंटरनल से जान छुट्टी, अभी हम घर चलते हैं, वहाँ जाकर नाश्ता करेंगे, आज हमने ग्रॉसरी भी करनी है, तो चलते हैं। तो यार अभी जो है ना हम घर वापस जा रहे हैं, ठीक है। पूरा मशहूद का जो है ना वो खा लिया, सिर्फ मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हैं, और ये वो हमारी यूनिवर्सिटी के पास से चला हुआ, और तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, और स्टिल अभी तक कोई बंदा नहीं बैठा, और ऐसा लग रहा है कि हमने ना पूरा मशहूद का बुक करवाया है। अभी जो है ना हम सो के रेस्ट वेस्ट करके खाना वगैरह खा के अभी हम आए हैं ग्रॉसरी करने। अच्छा, अभी जो हम आए ना अड्रियानो कॉफ़ी पे आए हैं। आज जो है ना मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं अपना जो है ना फूड का थोड़ा पोर्शन कम करूँगी, यानी थोड़ा ना फास्ट फूड, मीठा और इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करूँगी। तो सुबह से मैंने बड़ा अवॉइड भी किया है, लेकिन अभी हम बाहर निकले हैं ग्रॉसरी करने, और मेरे दोस्त का दिल कर पड़ा जी ब्राउनी खाने का। तो फिर ना जब आपके साथ बड़ा बंदा खाए ना आपने रैपर पे, तो फिर आप मुझे भी मजबूर हो, उसने फोर्स तो नहीं किया, लेकिन मेरा दिल मुझे बदमाए देगा अगर मैंने ब्राउनी ना खाई। तो डाइट को एक साइड रखते हैं, ब्राउनी खाते हैं डाइट कल से, ठीक है ना। कितना प्यारा क्रिसमस ट्री है ना इनका। खैर हम आज डाइट पे थे, आज स्टार्ट की है, तो ये डाइट फ्री कॉफ़ी और ये शुगर फ्री ब्राउनी है। आई एम जस्ट किडिंग।
हाउ स्वीट माओ माशाल्लाह ये बहुत ही मजे की ब्राउनी है। ये जो है ना हमारी ग्रॉसरी है, इस बार से मैंने बहुत कोशिश की है कि हम जंक फूड ना लें। The next day. सुबह 8 बजे से इन्होंने हमें बुलाया था एग्जाम के लिए और अंदर अब जो है ना लॉक हो गया, जो टीचर है ना हमारे सर्जरी के वो अंदर लॉक हो गया और हम 4 hours से यहाँ वेट कर रहे हैं। अभी लॉक मास्टर आया है। खुल गया दरवाजा भाई हमारी को। अभी ये मसला हुआ था कि जिस रूम में एग्जाम हो रहा था उसका जो है ना लॉक बिल्कुल बंद हो गया और बच्चों ने ना फ्लैट की कीज़ अंदर घुसा घुसा के अपने तरफ से खोलने की कोशिश कर रहे थे और उसकी फ्लैट की कीज़ अंदर फंस गई, तो उसकी वजह से जो है ना काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। हम लिटरली यहाँ सुबह 8:30 आए हैं और अभी 12:30 हो रहे हैं, तब से इसने हमारा एग्ज़ाम नहीं लिया। हालांकि हमारे ग्रुप्स की ही टर्न थी, हमारे ग्रुप की ही टर्न थी सीक्वेंस वाइज अगर देखा जाए 18-19, लेकिन पता नहीं वो विदाउट सीक्वेंस ले रहे हैं, कभी 20 को बुला रहे हैं, कभी किस ग्रुप को बुला रहे हैं। हमारी बैड लक चल रही है। अल्लाह अल्लाह करके हमारा भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने लगा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा बेसिकली प्रैक्टिस जो हमारी हॉस्पिटल क्लास है उसका एग्ज़ाम था और उसमें जो है ना ये प्रॉपर ये डायरी होती है जिसमें हम बताते हैं कि हमने इसी हॉस्पिटल में गए और हमने ये जो है ना सारा कुछ किया था, ये सीखा, तो ये उसकी डायरी है। तो यार ये जो डायरी है ना बेसिकली इसके भी इसके लाइक समझ लें 50% मार्क्स होते हैं, अगर आपने ये डायरी नहीं लिखी तो आप फेल। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी पार्ट है एग्जाम का, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस हॉस्पिटल क्लास का जो एग्ज़ाम है। स्नोफॉल, इतना क्लियर वेदर है और सारी स्नो भी आप देख सकते हैं कि गायब हो चुकी है। The next day. गाड़ी स्नो में खड़ी और इसकी शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज्यादा ठंड है यहाँ पर। ठंड है यार बहुत ज्यादा। तो मैंने ये हमारे पेपर्स चल रहे हैं और मैंने काफी ज्यादा हर पेपर वाले दिन थोड़े थोड़े क्लिप्स बनाए हैं, शायद मैं इन सबको जोड़ के एक ही ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी आज के दिन स्टार्ट हुआ है तो अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। आज हमारा 5th पेपर है चिल्ड्रन सर्जरी का, 3 बजे पेपर था, बस अभी आधा घंटा है, बस जल्दी जल्दी से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और बहुत ठंड है। अभी इस टाइम यहाँ पर -13-14 टेम्परेचर चल रहा है। तो मैं बड़ा मिस किया मेरे व्लॉग्स में यार, आफ्टर 6 months मैंने तो मिस किया ना। अच्छा बात सुनो भाई, मैंने तो मिस किया ना अपने व्लॉग्स में, तो मैं इतने अरसे बाद तुम पाकिस्तान से आए हो यार। एक हम गरीब लोग जो इतना जलील लोग एग्जाम जो है लिख के आए और फिर वाइवा भी सुनाया जी, और ये लोग जो एग्जाम फ्री है भाई, तुमने ऐसा क्या कारनामा मारा कि तुम एग्जाम सेमेस्टर पढ़ते हैं, वो रूल्स में अच्छे नंबर लेते हैं, पूरी अटेंडेंस देते हैं, हम भी पूरी अटेंडेंस से सर निकलते हैं, इसके 2 नंबर लगे तो 2 नंबर हो जाए आपकी बैंक एग्जाम फ्री होने से बच रही है। बेटा पोजीशन के लिए भी ना एक एक नंबर का ही फर्क। मैं एक बात बताऊँ, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है ना हर टीचर के साथ, उसका एक इंस्पेक्टर अंदर रूम में और वो जो इनविजिलेशन करता है वो बाहर, मतलब कोई चीटिंग का कोई सीन नहीं है ब्रो, नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो पर क्या आना पड़ता है अच्छा खासा। यार इन लोगों से पूछते हैं इनका पेपर कैसा हुआ, आपका पेपर कैसा हुआ है, ये फरहान तो सुनाई जा रहा था, मैंने कहा इतना पर क्या है। और अब्दुल्ला अब इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, कल देखी भी थी मैंने
अन्नी मतलब कि वो आपकी कोई सर के साथ डील हुई थी? वैसे ना किसी की लक भी अच्छी होती है, सारी इजी क्वेश्चन सुन रहा हूँ आपसे दानिश। चलो यार हम बारी को, पाकिस्तान से आया और सुपारियां खा रहा था मैं तेरा दो यार तुम बिल्कुल नहीं दे रही यार तुम बम्बे खा रही हो, तुम्हारी अम्मी को वीडियो भेजूंगी आंटी बम्बे खाती है आपकी बेटी। मैं अपनी अम्मी को पैगाम देना चाहूंगी, मैंने एक क्लिप काटना नहीं है यार वैसे बड़ा बड़ा वो चम्मच भी रखा हुआ तुमने? अच्छा नहीं ब्रश है, मतलब ब्रश है। अच्छा सॉरी, अच्छा तुलसी दो, नहीं देना बस तुलसी बम्बे तुलसी जो मर्जी दे दो। थैंक यू। 5 रुपए की हो गई अब ये, एक पहले 1 रुपए की 2 आती थी ऐसी। ये इतनी ठंड में जो है ना नूर, इतनी ठंड में लाल हुआ, और ये देखे गरीब की शक्ल, इसकी हालत में फोटो बनाऊ मैं तुमने बुक्कल मारी हुई है ठंड से। आप देख सकते हैं कि मेरी नाक जो है ना वो लाल हुई है ठंड की वजह से, और मतलब सिर से ही कवर हुआ हुआ है, बहुत खराब है, इतनी सर्दी है ना। वैसे मैं अक्सर यही कहती हूँ सुबह को इस तरह कवर होना चाहिए, हम सही कवर ही नहीं करते खुद को। नूर का मुंह भी लाल हुआ है, बाद में शुल शुल हो रही होती है, मतलब जो है ना स्नो में रोड पे ऐसे चिपकी होती है स्नो। हालांकि मुझे लगता है एक बार गवर्नमेंट ने साफ कर दी, फिर गाड़ियों की वजह से दोबारा आ रही है स्नो, और ये जो स्नो है ना ये गाड़ियों को स्लिप करती है। यार अभी मैं आपको एक बात बता चलूँ कि मुझे, मैं बोल रही ना तो मेरा मुंह नहीं खुल रहा जमा हुआ। खैर मैं आपको एक बात बता दी कि अभी जो है ना यहाँ पर -15 टेम्परेचर है, -15 -16, और स्टिल जो है ना हल्की हल्की स्नो हो रही है। और बाकी आजकल में कल परसों अभी वैसे आज रात को तो यहाँ पर -17 -22 तक टेम्परेचर जाना है, लेकिन आने वाले दिनों में जनवरी में ही न्यूज़ में आया था कि विश्की का टेम्परेचर -38 तक भी जाएगा। तो लेट्स सी ऐसा होता कि नहीं होता, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हमारे लिए बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अच्छे से वापस आ गए ना, कुछ ऐसा फ्राइड फ्राइड सा विद टी खाने का दिल कर रहा, तो हम फ्राइज बना रहे हैं अभी, और अभी हम खाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो है ना हमारी पार्टी चल रही है इस मज़ेदार मौसम में, चाय फ्राइज जिससे आगे हमने फ्राइज खा ली थी, और हमें लगा था हमें भूख नहीं लगेगी। लेकिन अच्छा हाँ, यूनिवर्सिटी जाने से पहले जो है ना मैंने सिर्फ एग वाइट खाई थी, 2 अंडों की एग वाइट खाई थी, तो अभी यूनिवर्सिटी से आगे मैंने फ्राइज खा ली थी, और अभी मुझे लग रहा था भूख नहीं लगेगी, लेकिन मुझे भूख लग गई। और अभी मैं आपको बताती हूँ मैं कितनी लजीज चीज़ खाने लगी। क्लास फेलो पाकिस्तान गया था और वो हमारे लिए साग लेके आया था जो फ्रीज था, अभी मैंने उसको काट के अच्छे से निकाला है, और लिटरली इस पूरे साग के ऊपर इतनी मोटी मक्खन की तह थी, तो इसे हम रोटियों चोपड़ेंगे और साग को भी डालेंगे। तो खैर अभी हम साग बना लेंगे, तो इंशाल्लाह अभी साग के साथ रोटियां, यहाँ पर आटा गूंदा जा रहा है तो साग बनाते हैं अभी। अल्लाह माशाल्लाह धुएं निकल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये देखें क्या हम घर का देसी मक्खन, उफ जो मेरा दोस्त लेके आया, अल्लाह उसकी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे, इतनी मेहनत से उन्होंने हमें साग बना के भेजा है। लास्ट टाइम जो मैंने साग खाया था ना, मैंने 2 साल पहले खाया था 2020 में, वो भी मेरा एक दोस्त लेके आया था पाकिस्तान में। अब जो हम सर्दियों में जाते हैं पाकिस्तान, मतलब गर्मियों में तो होता ही नहीं है साग, सर्दियों में हम यहाँ होते हैं, तो 2 साल बाद साग खा रहे हैं, ओह माय गॉड। The next day. Today is -25 here. Can you believe it? सब कुछ जमा हुआ है। तो यार आज लिटरली बिश्केक में -24 है, और मैंने फर्स्ट टाइम बिश्केक में इतना ज़्यादा टेम्परेचर देखा है जब से मैं यहाँ आई हूँ। तो खैर, और फर्स्ट टाइम मैं इतना कवर होकर बाहर आई हूँ, मतलब मैंने अपने जिस्म में कोई चीज़ जगह नहीं छोड़ी जहाँ से आवाज़ अंदर जाए, हवा अंदर जाएगी। खैर आज हमारा 6th एग्ज़ाम है, अभी यूनिवर्सिटी की तरफ आ रहे हैं और जा रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं, और बहुत शदीद ठंड है यार, बस ऐसा लगता है फ्रीज़र ही है, सब कुछ जमा पर है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी ठंड है। वैसे आज हमारा गाना कॉलेज ही गाइनियन ऑप्स का पेपर है, तो पता नहीं रिटर्न होता है ओरल। वैसे टीचर्स ये कर रहे हैं कि रिटर्न पेपर ले रहे हैं और साथ ओरली सुनते भी हैं, वाइवा भी हो रहा है, तो
उम्मीद है कि अब तक आने का भी ऐसे ही हो। खैर चलते हैं अभी ऊपर, देखने क्या सीन है। हेलो नूर, अस्सलाम वालेकुम। हाँ तुम्हें देखा था, मैं उतर रहे थे। तुम नूर लग रहा बहुत पढ़ के आया हुआ तुम्हारी शक्ल से, लगता है सही रात तुम जाग के पढ़ के आए हो। टाइम से पहले का प्रेशर, हाइपोक्सिया हो जाएगा। अच्छा हाइपोक्सिया होगा, सब पढ़ रहे हैं यहाँ पर तुम लोग। गुड गुड गुड, पढ़ो पढ़ो। जब आपको पता चले कि आपकी एक एब्सेंटी है और आप वो क्लियर करवाने के लिए दौड़ रहे हो, टीचर एग्जाम अलाउ करेगा। ये लिखिए डेट, नंबर ऑफ एब्सेंटीज लिखी है, ग्रुप नाम और फाइन लिखा है 200 सोम का। अभी फोर्थ फ्लोर पे जा रहे हैं साइन करवाने। बस जल्दी 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 आते हैं वापस, पेपर दे के नंबर लगवाते हैं इंशाल्लाह। हियर वी आर एट फोर्थ फ्लोर। ये दिस इज द ऑफिस, अभी ये खुला। अब तो ये नूर भाई हमारा जो है ना क्लियर कराना है। नूर दिखाओ टैम मार के इसने मारती। थैंक यू, शुक्रिया यार तुम्हारा। तो यार अभी जो है ना -15 है और धूप छूप निकल आई अच्छी खासी। मैं आपको सूरज दिखा, सूरज पता नहीं किधर बिल्डिंग के पीछे छुपा है। खैर -15 है, सुबह -27 या -5 था, स्टिल ठंड है बहुत। ये रहा सूरज, सूरज मामू, चंदा मामू होता है, सूरज चाचा होता है। तो यार ये थी मेरी आज की वीडियो। बेसिकली जो मेरे पेपर्स थे उन सब के थोड़े थोड़े क्लिप्स मैंने साथ कंबाइन करके एक व्लॉग बना दिया। तो खैर मैंने काफी दिनों से व्लॉगिंग भी नहीं की, अभी हमारी छुट्टियां चल रही हैं और इंशाल्लाह मैं कल से दोबारा रेगुलरली व्लॉगिंग करूंगी, रोज एक वीडियो आया करेगी। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे तो हमें याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।